हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी के सिलेबस में यह लिख रखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला परीक्षाओं में पूछी जाएगी, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन सकता है। तो इस लेक्चर को भी आपको अच्छे से देखना जरूरी है। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके भी देख सकते हैं कि एमपी जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। सबसे पहले तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कला की। शिल्प कला क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे। शिल्प कला एक प्रकार से कहा जाए तो हाथ से चीज़ें बनाने की कला। हाथों से जितनी भी चीज़ें कला आकृतियां बनाई जाती है या हाथ से चीज़ें बनाने की जो कला है, साधारण भाषा में कहा जाए तो हाथों से जो चीज़ बनाने की जो कलाएं हैं, कई सारी कलाएं आकृतियां बनाई जाती है हाथ से, तो उसे ही शिल्प कला कहा गया है। बस यही इसकी शॉर्ट कट की डेफिनेशन कहा जाएगा। हाथ से चीज़ें बनाने की कला को शिल्प कला कहते हैं। तो देखिए, इससे डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या का बहुल्य होने के कारण विभिन्न तरह की शिल्प कलाएं की उत्पत्ति हुई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाएं कुछ इस प्रकार है। तो पहले बात करते हैं अपन काष्ठ शिल्प की। काष्ठ शिल्प इंपॉर्टेंट है। काष्ठ शिल्प, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी और शिल्प यानी लकड़ी। लकड़ी से क्या क्या चीजें बनी है वो बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा अति प्राचीन है। इसकी जो परंपरा है, लकड़ी से कला आकृति बनाने की परंपरा प्राचीन है। आदिम युग से ही मनुष्य ने गाड़ी के पहिए बनाया था कि नहीं, गाड़ी के पहिए, देवी देवताओं की मूर्ति, घरों के दरवाजे, पांटो मुकुट आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का निर्माण किया है। ये सब बनाए गए हैं पहले से। और मध्य प्रदेश में कोरकू एवं भील आदिवासी क्षेत्र में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। कहाँ कोरकू एवं भील आदिवासी क्षेत्र में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यहाँ बनी लकड़ी की सामग्री की मांग महानगरों सहित यूरोपीय देशों में अच्छी मांग होती है। यूरोपीय देशों में इसकी अच्छी मांग होती है, यानी कि देश विदेशों में फेमस है। यहाँ की बनी लकड़ी की सामग्री की मांग देश विदेशों में प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है, काष्ठ शिल्प अपने मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प भी है। अब बात करते हैं कंघी तो आपने किया ही होगा, बाल संवारने के लिए जो कंघी करते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो कंघी का आविष्कार करने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। बंजारा जनजाति का यह कहना है कि सबसे पहले कंघी को हमने बनाया था। तो कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। बंजारा जनजाति अपने मध्य प्रदेश में भी निवास करती है, तो बंजारा जनजाति को जाता है। मध्य प्रदेश में कंघी तेल के प्रमुख केंद्र उज्जैन है, रतलाम है और नीमच है। तो उज्जैन है, रतलाम है और नीमच है। आदिवासियों द्वारा कंघियों पर अलंकरण गोदन भीति का निर्माण किया जाता है। गोदना गोदते देखे होंगे आपने, आदिवासी लोगों को आपने देखा होगा। कई आदिवासी हमारे भाई और बहन लोग हैं, तो ये इनको आपने देखा होगा, ये गोदना गुदाते हैं। तो गोदना जो गुदाते हैं तो हरा कलर हो जाता है, जहाँ जहाँ गोदना कला आकृति बनाते हैं। तो गोदना भीति का निर्माण किया जाता है, तो ये आप समझ गया होगा। तो कंघी बनाने का श्रेय बंजारे जनजाति को जाता है, इतना याद रखें। यहाँ से कंघी शिल्प आ सकता है। खराद शिल्प ये इंपॉर्टेंट है। खराद शिल्प मध्य प्रदेश के श्योपुर में, श्योपुर कला प्रसिद्ध है। श्योपुर में श्योपुर कला के नाम से बुधनी घाट सीहोर में और रीवा मुरैना की खराद कला प्रसिद्ध है। रीवा मुरैना की खराद कला प्रसिद्ध है। खराद सागवन दूधी कदम्ब गुरजेल मेंडला सलाई और खैर आदि वृक्षों की लकड़ी पर की जाती है। तो लकड़ियों के नाम हैं, सागुन की लकड़ी, दूधी कदम्ब गुरजेल मेंडला सलाई और खैर की लकड़ी। तो आपने सुना ही होगा कि इससे कत्था बनता है, कत्था जो पान में खाते हैं, कत्था आदि वृक्षों की लकड़ी पर की जाती है। खराद कला में खिलौने एवं सजावट की सामग्री बनाई जाती है। ये जो शिल्प कला है, खराद कला
खरात कला जो है इसमें खिलौने एवं सजावटों की सामग्री बनाई जाती है। तो याद रखना, ये भी अपने यहाँ का है, खराद शिल्प। अब बात करते हैं टेराकोटा का। टेराकोटा का नाम तो आपने सुना ही होगा, टेराकोटा। तो टेराकोटा, टेराकोटा एक कलर भी होता है, जो पकी हुई ईट का जो कलर रहता है, कत्थाई टाइप का जो पक जाती है ईट, उसे टेराकोटा कलर। तो बात करते हैं बुक के हिसाब से। मंडला जिले के निवास करने वाली जनजाति गोंड हो गया, बैगौर प्रधान और धीमा और जिनवार और ओरियो और पटरी टेराकोटा शिल्प के शिल्प हैं। तो ये सब शिल्प भी हैं, टेराकोटा के शिल्प भी हैं, शिल्प हैं। इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को काम में आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। समझ आ गया आपको? इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम में आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है, जिसे बड़ा देव फुलवारी देवी की प्रतिमा प्रसिद्ध है, जिसमें से बड़ा देव की प्रतिमा और फुलवारी देवी की प्रतिमा प्रसिद्ध है। इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान और गमलों का निर्माण किया जाता है। गमले जो फूल लगाते हैं, जिसमें इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामान और गमले का निर्माण किया जाता है। तो टेराकोटा याद रखना, मंडला जिले के निवासियों द्वारा बनाया जाता है टेराकोटा शिल्प। देखिए छीपा शिल्प हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है। छीपा शिल्प जो है हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है, जिसे भील आदिवासियों के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है। बाघ हो गया, बाघ धार में है ये बाघ, कुची धार में है, मनावर धार में है, उज्जैन छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र है। ये जो जगह के नाम बताए गए हैं, बाघ, कुची, मनावर, उज्जैन, छीपा शिल्प के प्रमुख केंद्र है। ये बाघ कहाँ पे आता है? बाघ धार में, कुची धार में, मनावर धार में। उज्जैन का छीपा शिल्प तो भेरुगढ़ के नाम से देश एवं विदेश में जाना जाता है। उज्जैन का छीपा शिल्प जो है ये भेरुगढ़ के नाम से देश और विदेश में जाना जाता है, याद रखना है। अब बात करते हैं महेश्वरी की साड़ी। महेश्वरी आपने सुना होगा कहीं साड़ी के बारे में। महेश्वरी की साड़ी सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि महेश्वर है कहाँ, यानी महेश्वरी की साड़ी बनती कहाँ है। तो ये महेश्वर नाम की जगह आप जानते होंगे कहाँ है, तो खरगोन में, खरगोन जिला। महेश्वर नाम की जो जगह है वो खरगोन में है। तो महेश्वरी की साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय, जो महेश्वरी साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय होलकर वंश की जो शासिका थी, प्रसिद्ध शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। आपको याद होगा अहिल्याबाई होलकर ने ही महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी महेश्वर को बनाया था। तो महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई गई, वहाँ के जो बुनकर किसको बोलते हैं, कपड़े बनाने वालों को बोलते हैं, कपड़े बुनने वालों को बुनकर कहते हैं। तो महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई गई सूती और रेशमी साड़ियाँ बहुत सुंदर, टिकाऊ और पक्के रंग की होती है, जिन पर जरी और केल के धागों से छोटे छोटे बेल बूटे कढ़े जाते हैं। तो ये याद रखना है, सूती और रेशमी साड़ियाँ सुंदर होती है, टिकाऊ होती है, पक्के रंग की होती है, जिन पर जरी और केल के धागों से छोटे छोटे बेल बूटे कढ़ाई की जाती है। ये महेश्वरी की साड़ी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो महेश्वरी की साड़ी खरगोन में है, याद रखना है, वहाँ पर है ये उद्योग। अब बात करते हैं चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, डायरेक्ट आता है साड़ी के लिए, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी। चंदेरी आता है अशोकनगर जिले में। तो चंदेरी की साड़ी, चंदेरी में रेशमी एवं सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती है। चंदेरी में रेशमी एवं सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती है। इन साड़ियों की विशेषता ये है कि हल्के और गहरे रंग
कलात्मक चौड़े बॉर्डर तथा साड़ी के बीच में बड़े आकार के जरी, एक जरी होता है जरी, तो बड़े आकार के जरी रेशमी और बूटी सूते बेल बूटे हैं। चंदेरी साड़ी की बनावट प्रायः सदी से होती है, लेकिन उसे पल्लू पर विभिन्न रंग धागों से संयोजित बड़े आकार के बेल बूटे, मोर, बदक आदि की आकृतियां कढ़ी जाती है। तो चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है। चंदेरी कहाँ पर है? अशोक नगर में। तो याद रखना है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। चंदेरी की साड़ी फ्लिपकार्ट अमेजॉन मिल जाती है। अब बात करते हैं भरेवा शिल्प। बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं एवं देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? बैतूल के आदिवासियों द्वारा भरेवा शिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। अब बात करते हैं पीतल शिल्प की। तो पीतल के बर्तन आते हैं, देखे होंगे आपने, पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। तो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है कहाँ पे? नरसिंहपुर में। यहाँ मुख्य प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है, जिसे परात डेकची गंज शामिल है, जिसमें परात बनती है। देखे होंगे आपने, परात होती है ना थाली, जैसे परात तांबे की आती है, पीतल की रहती है परात, कांसे की रहती है, तो परात डेकची गंज शामिल है। तो इम्पॉर्टेंट है पीतल शिल्प नरसिंहपुर। धातु शिल्प की बात कर लेते हैं। धातु शिल्प सतना के उच्छेरा कस्बे में यहाँ से की गई प्रसिद्ध बाट लोही की नामक पात्र बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध बट लोही की नामक पात्र बनाए जाते हैं, सतना में है, याद रखना। धातु शिल्प, सुपारी शिल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आएगा क्वेश्चन। रीवा में सुपारियों पर मूर्तियां बनाई जाती है, सुपारी के खिलौने, सुपारियों की मूर्तियां बनाई जाती है रीवा में। तो इंपॉर्टेंट है सुपारी शिल्प। सुपारी से बनाते हैं, खाने वाली जो सुपारी होती है उससे बनाए जाते हैं। तो रीवा में सुपारी से मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये रीवा में होता है सुपारी शिल्प, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखना है। खिलौना शिल्प की बात कर लेते हैं। सीहोर के बुधनी तहसील में काष्ठ यानी लकड़ी की कला आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो याद रखना है खिलौना शिल्प कहाँ पर है? सीहोर में। लाख शिल्प, लाख तो आपने सुना ही होगा, जो खेतों में जंगलों में जो पेड़ों पे लगते हैं, वही वाली लाख है ये। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र हैं। परंपरागत जो पहले से चले आ रहे उन्हें ही बोलते हैं परंपरागत केंद्र हैं। प्रदेश में लखार जनजाति द्वारा लाख से चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पेटियां, डिब्बियां, अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। तो याद रखना है लाख का सहकारी क्षेत्र का कारखाना उमरिया जिले में मिलेगा आपको। तो ये लाख इंपॉर्टेंट है। लाख उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र हैं, पहले से चले आ रहे केंद्र हैं। अब बात करते हैं भीली शिल्प की। भीली शिल्प तो सुना ही होगा आपने, भीली धार एवं झाबुआ। भीली शिल्प जो है धार एवं झाबुआ क्षेत्र में भील महिलाओं दैनिक उपयोगों के लिए सुंदर कोमल बटवा, मोती, माला एवं थैलियां बनाती है। तो भीली शिल्प कहाँ पे प्रसिद्ध है? धार एवं झाबुआ क्षेत्र में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं प्रस्तर शिल्प। प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर एवं रतलाम जिले में हुआ है। तो मंदसौर में और रतलाम जिले में हुआ है। इन जिलों में गुर्जर, गायरी, जाट और भील जातियों द्वारा पत्थर की मूर्तियां सौंदर्यात्मक एवं दैनिक उपयोगों की विभिन्न वस्तुओं को बनाया जाता है। दैनिक उपयोगों की विभिन्न वस्तुओं को बनाया जाता है, याद रखना। ये
प्रस्तर शिल्प कहां पर है ये? मंदसौर और रतलाम। मिट्टी शिल्प, तो मिट्टी शिल्प सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला है। मनुष्य ने अपने प्रारंभिक समय से ही विभिन्न तरह के खिलौने, मूर्तियां आदि बनाते थे, बनाए हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी शिल्प झाबुआ हो गया। मंडला जिले के कुम्हारों द्वारा, जो कुम्हार लोग होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, कुम्हारों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाते हैं। बैतूल के शिल्प भी अपनी निजी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। तो बैतूल में भी है एक, तो मिट्टी शिल्प भी याद रखना है। गुड़िया शिल्प की बात करते हैं। गुड़िया पुराने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पुराने वस्त्रों से एवं कागजों से गुड़िया बनाने की लोक परंपरा है। ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाए जाती जाने वाली गुड़िया परंपरा अनुष्ठानिक है। तो ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़िया कहाँ पे? ग्वालियर अंचल में। और ग्वालियर अंचल की गुड़िया अपने विशिष्ट आकार, प्रकार एवं वेशभूषण के कारण अधिक प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, गुड़िया वाला कहाँ पे होता है? गुड़िया शिल्प ग्वालियर अंचल के आसपास वाले एरिए में। कठपुतली शिल्प की बात करते हैं। कठपुतली की प्रसिद्ध कठपुतली तो आप जानते ही होंगे। कठपुतली के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं एवं कथाओं को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप जानते हैं, तो कठपुतली के द्वारा ऐतिहासिक घटना एवं कथाओं को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतली की प्रसिद्ध पात्र अनारकली हो गया। अनारकली बीरबल, अकबर, पुंगी वाला घुड़सवार, पुंगी वाला घुड़सवार, सांप और जोगी होते हैं। तो ये सब होते हैं क्या में? कठपुतली के खेल में। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में कठपुतली शिल्प प्रसिद्ध है। तो कठपुतली शिल्प भी याद रखना है। अब बात करते तीर धनुष कला। तीर धनुष कला भी है। तीर धनुष कला प्रदेश की भील, पहाड़ी, कोरवा, कमार आदि जनजातियों के तीर धनुष वाला विशेष प्रचलित है। विशेष प्रचलित है। तीर धनुष बांस हो गया, मोर पंख, लकड़ी, लोहा, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। तो तीर धनुष कला भी बनाई जाती है अपने यहाँ, तो इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं बांस शिल्प की। तो बांस से भी बनाए जाते हैं बांस। तो मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का प्रमुख केंद्र झाबुआ और मंडला है। झाबुआ और मंडला है प्रमुख केंद्र बांस का। यहाँ के आदिवासी बांस से सौंदर्य परख एवं जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एक बात करते हैं अब आखिरी, पत्ता शिल्प। तो पत्तों से भी हाथ के द्वारा कुछ चीज़ें बनाई जाती है। तो पेड़ों के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाइयाँ, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़े आदि बनाए जाते हैं तो पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाइयाँ, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़े बनाए जाते हैं। पत्तों को कोमलता के अनुरूप होने की विभिन्न कलाकृतियों में बनाया जाता है। कोमल होते हैं पत्ते, इसलिए उससे बन जाते हैं। और पत्ता शिल्प के कलाकार मुख्य झाड़ू बनाने वाले होते हैं। ये पत्ता शिल्प जो बनाते हैं, झाड़ू का जो व्यापार करते हैं, झाड़ू बनाते हैं उन लोग करते हैं, बताया गया है। तो ये था हमारा लेक्चर। इसमें आपको याद रखना है कौन सी शिल्प कहाँ पर प्रसिद्ध है या फेमस है। जितनी भी शिल्प कला है मैंने बताया, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया सुपारी शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है, तो रीवा में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंघी वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर भी जानना जरूरी था, क्योंकि मध्य प्रदेश के सिलेबस में मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला सिलेबस में डल रखा है, लिख रखा है। क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक बन सकता है। वीडियो को एक बार देखना, ध्यान से देखना, याद हो जाएगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।